गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पारी कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज एक्सेल इन जस्ट 10 मिनट। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अटेंडेंस शीट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा, ठीक है, और एक्सेल कैसे यूज करना। आप पहली बार एक्सेल यूज करने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की, क्योंकि ये वीडियो मैं एज अ बिगनर अगर आप हो, ठीक है, तो उन्हें ही लेकर के बना रहा हूं वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना और नए होते हैं सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर लाते हैं, ठीक है, हर दिन लाते हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखो और अच्छी लगती लाइक क्या करो और स्किप मत कराओ, ठीक है, स्किप ज़रा से मत क्या करो, क्योंकि स्किप करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हमारी वीडियो बनाने कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। टारगेट यहाँ पर हमारा रहेगा कि आपको अटेंडेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। अटेंडेंस शीट के ज़रिए मैं आपको बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर, जैसे फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है और स्टाइल कैसे देना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बट यार स्किप कर दोगे तो सारा खेल आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को देखो पूरा लास्ट तक, और कुछ भी नहीं समझ आता तो कमेंट करो, ठीक है, जो भी पार्ट रह जाए कमेंट करो बस, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ एक्सेल से रिलेटेड। जैसे गाइस आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम का टैब है वो है होम टैब। होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, बहुत चीज़ें मिल जाती है, सेल्स मिल जाता है। सेल्स में फॉर्मेट में अगर आप जाओगे तो ये चीज़ें बहुत काम की है, उसके साथ साथ स्टाइल बहुत काम किए हैं ये आपके लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका यूज़ काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, फिलहाल इस वीडियो में तो काफ़ी होगा। उसके साथ साथ इंसर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट इस वीडियो के अंदर हम टारगेट करेंगे होम टैब को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, जो कि सीखने के लिए, जैसे फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है एक्सेल के अंदर वो भी सिखाऊंगा। अगर आपने कभी एक्सेल यूज़ नहीं करा तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ठीक है, और आपने यूज़ भी कर रखा है, और अगर आप रिमाइंड करना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते वीडियो, और सबसे पहले तो भाई हम यहाँ पर बात करेंगे अपने अटेंडेंस शीट की, किस तरीके से आपको बनाना है और क्या कुछ करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने अटेंडेंस शीट की है, ठीक है, और इसमें बहुत कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा, बट प्लीज़ हमेशा की तरह यार मैं आपको बोलूँगा स्किप मत करना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, इससे पहले मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। देखो अटेंडेंस शीट में ज़रूरी चीज़ें क्या है, अटेंडेंस शीट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें वो है आपको सबसे पहले तो आपको ऊपर लिखना अटेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पर गाइस काफ़ी सारी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जिससे आप लोग ना इस अटेंडेंस शीट को 5 मिनट से भी कम टाइम बना दोगे वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अटेंडेंस शीट में सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे ऊपर आपको अटेंडेंस लिखना है, ठीक है, बट उससे पहले हम यहाँ पर जो बाकी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पर सबसे पहले चलता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, या फर्स्ट से ही करते हैं बाद में हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिख देंगे, ठीक है। नेम के बाद हमारा आएंगे डेट, ठीक है, डेट यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर पिछले महीने का लेके चलता हूँ, जुलाई का, ठीक है। तो 1 जुलाई से हम यहाँ पर लेके चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 जुलाई, ठीक है, 2023। अब देखो मैंने 1 में लिख दिया, ठीक है, काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे भाई सब में 1 जुलाई, फिर 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई करेंगे। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे इस पर मतलब क्लिक करना है, कर्सर रखना है यहाँ पर, और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, मतलब ये तो पूरा बॉक्स हो गया, और यहाँ पर ये जो डॉट मिल रहा है इस डॉट के ऊपर आपको अपना कर्सर रखना है कुछ इस तरीके से। जब ऐसा बन जाएगा तो आपको जैसे जैसे ड्रैग करके या खींच के आपको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आपका 31 जुलाई हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे 31 जुलाई हो गया, बस हो गया भाई मेरा काम, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगा, हमने यहाँ पर पूरा जो डेट है वो टाइप कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अगला काम करना है सिंपल। डेट हमने लिख दी, अब नीचे हमें डे लिखना है, हमने प्रॉपर डेट लिख दी 1 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023, 3 जुलाई 2023 कर दी। अगला काम हमें करना है डे लिखने का। तो डे लिखने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी, बस आपको जैसे पहला जो डे है मान लो जुलाई का सैटरडे था, मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सैटरडे था, तो मैं यहाँ पर जो सैटरडे लिख दूंगा और कुछ नहीं करूँगा, तो सैटरडे को ही मैं यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके लेके जाऊँगा। देखो भाई सारा जो डे है वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस वहाँ पहला वर्ड लिखना है, ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर है वो खुद समझ के आगे काम कर देगा। मेहनत आपको कुछ नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है, आपको जैसे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये दो बॉक्स है ना, अब ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इन दोनों सेलेक्ट करके मैं इन्हें मर्ज कर देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर में, फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना, हो गया। और मैं इसे क्या करता हूँ बीच में कर, ताकि थोड़ा दिखने में सही लगे। अगला काम क्या करेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके
इन दोनों सेलेक्ट करके हम इन्हें क्या करेंगे, लंबा सा कर देंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है। हम यहाँ पर अटेंडेंस बनाने वाले तो हम क्या लिखेंगे, एबसेंट और प्रेजेंट, यानी ए और पी, तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे ये रोटेट वाले पे जाएंगे, अलाइनमेंट में आपको रोटेट वाला मिल जाएगा, ओरिएंटेशन कहते हैं इसे, तो रोटेट वाला, मैं रोटेट वाला कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना है और रोटेट टैक्स अप कर देना, हो गया भाई। अगला काम क्या करना भैया, बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको जाना है फॉर्मेट में, सेल्स के अंदर ये फॉर्मेट मिल जाएगा, इसमें जाना है आपको। जाने के बाद आपको अगला काम करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये लो भैया, छोटा सा हो गया, ठीक है। तो झंझट ही खत्म, क्या हुआ, झंझट ही खत्म। और देखो, हम यहाँ पर अटेंडेंस करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कुछ और चीज़ें, जैसे हमें यहाँ पर कितने बंदे एबसेंट थे, कितने प्रेजेंट थे, ठीक है, टोटल कितने दिन थे, वो सब भी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी काम भाई हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे अच्छा हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल डेज पहले वाले में, ठीक है। फिर अगले वाले में हम यहाँ पर लिख देंगे, अगले वाले हम लिख देंगे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हमने लिख दिया। अगले वाले हम लिख देंगे एबसेंट, लो भैया, इन दोनों को भी, इन्हें भी ऐसे सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर देंगे, ऑटो फिट, ठीक है, हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। तो आराम से सिंपल हमारा ये काम जो हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों क्या करेंगे, सेलेक्ट करके एक में ही कर देंगे, या हाँ चलो हम एक में ही कर देंगे, तो झंझट जो है मतलब ख़त्म ही हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा दिखने में भी, ठीक है। मर्जेंट सेंटर, इसे भी ऐसे करता हूँ सेलेक्ट करके, सॉरी, आपको जस्ट ऐसे इसी पे क्लिक कर दोगे तो भी काम हो जाएगा, जस्ट इस पे क्लिक कर दो तो भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इतना हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, इतना हम सेलेक्ट कर देंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन पे ओके कर देंगे, तो ऊपर हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी, इस जगह को भी हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अटेंडेंस सीट, ताकि पता चले कि क्या चीज़ है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अटेंडेंस सीट, AAAT ANDANC, अटेंडेंस सीट, स्पेलिंग भी तो बहुत भारी भरकम है, ठीक है, अटेंडेंस सीट। तो हमने अटेंडेंस सीट हमें टाइप कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम हटाएंगे, इसे एक अलग ही फॉन्ट दे देंगे, ताकि भाई पता चले, अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ है, कुछ मटेरियल है ये, ठीक है। और फिर इसे क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया, 72 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम कर देंगे इसे 60, ठीक है, 60 अच्छा भी लग रहा है दिखने में, बड़ा सा है, ठीक है, सही लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन्हें कलर दे देंगे, डेज को हम यहाँ पर एक अलग कलर दे देते हैं, मतलब अलग स्टाइल दे देते हैं, जैसे बेड वाला स्टाइल दे दिया। नेम को हम यहाँ पर एक अलग स्टाइल दे देंगे, इनपुट में डाल दिया, इनपुट वाला स्टाइल दे दिया, ठीक है। इन पर हम लोग एक अलग स्टाइल दे देंगे, नोट वाला, ठीक है। और इनको भी हम एक अलग स्टाइल दे देंगे, हाँ ये वाला दे दो, हाँ ये भी ठीक है। तो ये वाला सही लग रहा है, टोटल डेज प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है, टोटल डेज प्रेजेंट एब्सेंट के लिए फॉर्मूला लग गया, तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। नाम लिख देंगे हम गाइस यहाँ पे, विकास, ठीक है, विकास लिख देंगे। अगला आकाश लिख देंगे, ठीक है, पंकज लिख देंगे, रोहित लिख देंगे, और रोहन लिख देंगे, इसी के साथ साथ सोनू लिख देंगे। तो गाइस, जैसे हमने तीन चार लोगों का नाम ले लिया, ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, एक आध और नाम वैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे रोहन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राम लिख देते हैं, ठीक है, एक आध ज़्यादा नाम रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, ठीक है, अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम ये करना है कि देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सब में संडे फिल कर देते हैं। संडे फिल करने के लिए करना कुछ नहीं, आपको पहले में तो संडे है ही, बट दूसरे में भी आपको इस तरीके से संडे लिख देना, ठीक है, सब में, मतलब सबके सेकेंड में आपको संडे इस तरीके से लिख देना है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, क्यों, इससे आप लोग सब में संडे फिल कर पाओगे। संडे फिल होगा तो इससे क्या होगा, आपकी पहली दिक्कत ख़त्म हो जाती है, अटेंडेंस प्रिपेयर करते हो ना उस टाइम पे, आपकी पहली दिक्कत एक ख़त्म हो जाती है। और हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके इसका सेम फॉन्ट हम इसमें भी डाल देंगे, ठीक है, ऐसे इसका भी क्लिक करेंगे,
और इसका फॉन्ट इसमें डाल देंगे, मतलब सब कुछ यूज बता रहा हूँ आपको। सेलेक्ट करना है आपको क्लिपबोर्ड में, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा, इसे आपको क्लिक करना है। इसका जो फॉर्मेट है ना कॉपी हो जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, वो फॉर्मेट अपने आप इस पर चिपक जाएगा, क्लिक करना है डैन यहाँ। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, बस वीडियो आप देखोगे सही से तो समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर डे का कर दिया। ठीक है, और देखो यही काम आपको करना है। अब क्या करना है आपको, इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ तक कर देना है। देखो भैया सब में संडे संडे हो गया, हो गया ना, इस तरीके से करना। अगर आप एक संडे लेके चलते तो बाकी डे भी यहाँ पर आ जाता। तो हम क्या करेंगे, दो को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, दो को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आराम से कर देंगे। देखो फटाफट काम हमारा जो हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि ये काम करना किस तरीके से। बाकी कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाना है, ट्रिक यूज़ करनी है हर जगह, ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको बस इतना काम करना है, बाकी कई जगह मैं भी भूल जाता हूँ यूज़ करना। ठीक है, याद रहता है तो भी। तो आपको फिर अगला काम क्या करना है, यहाँ पर अब इनका जो अटेंडेंस है वो फिल करना है। तो अटेंडेंस फिल करने के लिए इसकी भाई कोई ट्रिक नहीं, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, पहले दिन सबको प्रेजेंट। ठीक है, और ठीक है इसे एब्सेंट। तो सब में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, एपी जो भी आपको लिखना है आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। सो गाइस, अटेंडेंस शीट का ओवरऑल हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगाने, टोटल डेज के लिए आप लोग फॉर्मूले लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हो, 31 डेज से खुद टाइप कर दो, ये स्मार्ट वर्क होगा, यहाँ पर आपको हार्ड वर्क नहीं करना। बट फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन है तो आप लोग काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिलहाल ही एक महीने की बात है तो आराम से आप लोग लिख सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको फॉर्मूला बताना, तो मैं बता देता हूँ। इक्वल्स टू डे लिखना, ठीक है, फिर ये वाला मतलब ब्रैकेट, एंड फिर ई ओ एम ओ एन टी एच। ठीक है, ई ओ एम ओ एन टी एच लिखना है आपको, एंड देन आपको आई थिंक हाँ ये वाला आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना है पर स्टार्ट डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट इसे आप लोग सेलेक्ट करने हैं या फिर B3 लिख देना, एंड देन कॉमा लगाना है आपको, फिर लिख देना है 0, एंड देन फिर ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, एंड देन कर देना आपको एक और ये वाला ब्रैकेट, एंड एंटर हो गया। ठीक है, अगर आपके पास ये मतलब कुछ अलग तरीके से आए तो आप लोगों को करना क्या है, क्लियर में जा करके फॉर्मेट को यहाँ पर क्लियर कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों के आगे कुछ मतलब डेट उट लिख के आने लग जाए ना तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको करना क्या है, इसी को आपको ड्रैग करके यहाँ तक कर देना, सो ऑन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर एक महीने की बात है तो आप लोग कर दो। ठीक है, फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला कर सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आप लोग सजेस्ट करूँगा फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि बहुत ईजी फॉर्मूला आराम से आप लोग कर सकते हो। सो गाइस, हमने यहाँ पर टोटल डेज निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, एब्सेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट निकालने के लिए प्रेजेंट का काफ़ी ईजी फॉर्मूला है, आपको वो अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला, सबसे पहले कोई फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल्स टू आपको लिखना है, फिर यहाँ पर हमें काउंट करना है, काउंट इफ़। ठीक है, काउंट की स्पेलिंग सही, COUNT इफ़, और ये वाला ब्रैकेट आपको लगाना है। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर काउंट करना है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला मतलब कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है कितने बंदे प्रेजेंट है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये वाला आपको सिंबल लगाना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है पी, फिर दोबारा ये वाला साइन, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप लोग चाहते हो इसे याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे निकाल दिया, इसे निकालने के बाद हम यही वाला फॉर्मूला सबने अप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है, एक हमने निकाला, बाकी सब में भी सेम वही काम। अब एब्सेंट निकालना, एब्सेंट का भी एज इट इज़ इक्वल्स टू, फिर काउंट, ठीक है, फिर इफ़, फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, एंड देन फिर वही आपको सेलेक्ट करना है पूरा। ठीक है, सेलेक्ट करना है, और फिर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कॉमा लगाना है, फिर ये वाला साइन यहाँ पर, वहाँ हमने पी लिखा था, यहाँ ए लिख देंगे, फिर दोबारा ये वाला साइन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। निकल गया, 5 दिन एब्सेंट थे। ठीक है, फिर दोबारा इसी को ट्रैक करके कर देना, और ये बंदा, इस बंदे ने एक भी छुट्टी नहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, 26 इसकी प्रेजेंट है, अच्छा इस बंदे ने छुट्टी नहीं की एक भी। ठीक है, आकाश नाम है इस बंदे के, इसने छुट्टी नहीं की, मैं सोच रहा हूँ छुट्टी नहीं दिखा रहा इसका। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, नहीं इस बंदे ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, देख लो। ठीक है, तो 4 जो है इसकी, 5 मतलब 5 संडे पड़े हैं इसलिए छुट्टियाँ। ठीक है, तो टोटल इतने डे से इतनी प्रेजेंट है। ठीक है, और देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दिया टोटल डेज के लिए, प्रेजेंट के लिए भी, प्रेजेंट निकालने के लिए और एब्सेंट के लिए भी। अगर मैं एब्सेंट में यहाँ पर एक अलग कलर दे दूँ तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, अब ठीक है, ये एब्सेंट में अलग कलर कर दिया, और प्रेजेंट में भी एक अलग कलर कर देता हूँ।
जैसे ये वाला, नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ये वाला कलर कर दिया। ठीक है तो अब देखो सब कुछ अलग अलग हो गया, अब सही लग रहा। और इस तरीके से बाकी आप लोग फिर इसे आपको करना क्या, एक बार सेलेक्ट करके, और आपको कुछ दिक्कत हो अगर आपको कहीं लगे ज़्यादा है कम है, तो आपको सबको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट कर देना। ठीक है ये देखो क्योंकि इसका ज़्यादा हो रहा था मुझे लग रहा था, तो मैंने इसे कर दिया ऑटो फिट। और यहाँ पर देखो अब कोई भी कहीं पर दिक्कत नहीं है। ठीक है बाकी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगती है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया किस तरीके से एक्सेल यूज़ करना है। यहाँ पर हमने यूज़ करके दिखाया है अटेंडेंस शीट के भाई, अटेंडेंस शीट किस तरीके से बनाना है, इसमें फॉर्मूले लगे हैं, बहुत सारे फॉन्ट लगे हैं अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग तरीके स्टाइल्स लगे हैं। ठीक है अलाइनमेंट का हमने यहाँ पर यूज़ करा है, फॉन्ट्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई अलग फॉन्ट देना है, जैसे अटेंडेंस शीट है अटेंडेंस लिखा हुआ है, जैसे आपको कोई अलग फॉन्ट देना है जैसे ये वाला देना है। ठीक है कलर चेंज करना है, ये सारे काम आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है यहाँ से इस तरीके से देखो कितना तगड़ा लग रहा है, बट ये वाइट ही सही है। ठीक है और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसके लिए हमें कोई भी अलग से जो भी आपको फॉन्ट वगैरह यूज़ करना है आप लोग कर सकते हो। बाकी आपको और भी कुछ चेंजेस करने अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है इतना करने के बाद आपको सेव भी कर लेना है ताकि दिक्कत ना हो। सेव करने के लिए इस तरीके से जो भी नाम है, ठीक है AS लिख देता हूँ, AS1 AS2 करके सेव कर दो, बस सेव हो गया। ठीक है तो बाकी मैंने यहाँ पर आपको लगभग सब कुछ बता दिया। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया तो कमेंट करो गाइस, वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर से बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो शेयर करो और यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस ला रहे हैं रेगुलर। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करोगे तो हर दिन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, तो आप लोग देखोगे और आप लोग कहीं पे कोई पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कंप्यूटर सीखने के लिए। ठीक है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी रह जाता है तो कमेंट क्या करो, वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी हम लाएंगे और कमेंट का रिप्लाई भी जल्दी जल्दी मिलेगा। सो गाइस बस मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।